खाना पीना चैनल में आपका स्वागत है। जब पर्स होगा ऐसा तो खूब टिकेगा पैसा। आज हम बात करेंगे मनी बैग पे, यानी पर्स पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्स पे ऐसा क्या कहे और क्या ना कहे कि आपकी पर्सनैलिटी पे एक अच्छा असर हो और पैसा सदा आपके बटुए में हमेशा भरा हो। पहली बात, पर्स आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, इसलिए आप अपने पर्स को अच्छे से और सजा कर रखें ताकि सामने वाले पे आपका अच्छा असर पड़े। आप अपने पर्स को कुछ इस तरीका से सजा कर रखें। आप अपने पर्स में फालतू बिल या जो कागज आपके इस्तेमाल का नहीं है उसको आप पर्स में ना रखें। बहुत से लोग साइड में बहुत सारे कागज से अपने पर्स को भर देते हैं, आप ऐसा ना करें। आप ज्यादा बिल कागज ना रखें, इससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। अब आप जानिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी। पहला प्रॉब्लम होगा कि आपका पर्स बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपना पर्स किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खोलेंगे तो देखने में अच्छा नहीं, आपके व्यक्तित्व पर बुरा असर होगा। और तीसरी बात, पुराने बिल कागज नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी कर्जा होगी। आपको अपने पर्स में किसी भी तरह का भगवान का फोटो या कोई भी धार्मिक फोटो या तो कोई यंत्र या मंत्र, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज आप अपने पर्स में ना रखें, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं या नॉन वेज हुआ या भेज हुआ तो हम लोग की हाथ झूठा हो जाती है। तो हम लोग तो पैसा देने के लिए बटुआ खोलते ही हैं और झूठा हाथ से कितना बार पैसा निकालते हैं, तो इससे जो फोटो रहती है उनकी अपमान होती है। तो इसीलिए आप कोई भी धर्म से ताल्लुक हो तो आप कोई भी धार्मिक चीज अपने बटुए में ना रखें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे मूवी देखने जाते हैं या कोई मॉल में जाते हैं तो हम लोग को बाथरूम करने के लिए बाथरूम में जाना ही होता है, और हम लोग तो अपना बटुआ तो बाहर रख के जाएंगे नहीं कि मेड आप मेरा बटुआ पकड़ो मैं बाथरूम होके आता हूँ। तो हम लोग बाथरूम टॉयलेट में जाते हैं तो अपना बटुआ लेकर जाते हैं, और महिलाएँ तो अक्सर ये कहती है कि अपने बैग को टान कर उसके बाद बाथरूम यूज़ करती है। तो अगर आप बाथरूम अपने बटुए को लेकर गए हो, बटुए के संग संग भगवान भी गए, तो ये अच्छा नहीं होता, ये हम लोग के लिए बहुत ही बुरा असर होता है। इसीलिए आप कृपया करके कोई भी धार्मिक सामान अपने बटुए में ना रखें। अगर आपकी पर्स फट गई है या आपकी पर्स बहुत पुराना है तो आप उसको तुरंत बदल दें, इससे दलिद्रता आता है और आप अपने पुराने पर्स को कभी भी यूज ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पुराने पर्स के साथ क्या करना है। या तो आप किसी बहते नदी के किनारे या तो कोई पेड़ के नीचे उसको आप रख। आप अपने पर्स को किसी दोस्त या और किसी को ना दें, इससे आपको अपने धन में हानि हो सकता है। जैसे देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक चांदी का टुकड़ा है, तो इस टुकड़े को आपको अपने पर्स में रखना है, इससे आपको अपने धन में लाभ होगा, आपका पर्स हमेशा भरा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको रखने के लिए क्यों बोली, मैं बताती हूँ इसके पीछे का राज क्या है और इसकी ज्योतिषी कारण क्या है। आप जैसा देख रहे हैं ये चौकोर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग बृहस्पति बोलते हैं, और ये जो धातु है चांदी है ये शिव जी के आंसू से बना है, तो ये बहुत शुद्ध होता है। सोना भले बहुत महंगा हो लेकिन ये चांदी बहुत शुद्ध माना जाता है, और चांदी का मतलब है शुक्र चंद्रमा। चंद्रमा जो है दिमाग का कारक होता है, और शुक्र जो है हम लोग को हमेशा बताता है कि कहाँ पे हमको जाना है, कि क्या प्रोग्रेस करना है, कि कौन सा बिजनेस करना है, कि पैसा को कैसे यूज करना है। और ये जो गुरु है बृहस्पति है, ये हम लोग को हमेशा दिशा सही बताते हैं, कभी हम लोग को दिशा सुन होने नहीं देते, यानी मैं बोलूँ कभी हम लोग को भटकाव नहीं आता है। आपका पैसा बेकार नहीं हो और आपका पैसा हमेशा सही जगह लगे, डॉक्टर वकील पुलिस ये सब झमेला में आपका पैसा नहीं जाए, ये सब से बचने के लिए आप इन उपाय को कर सकते हैं और आजमा कर आप मुझको बता सकते हैं। अब आप एक बात का ध्यान दें, ये सब चीज़ किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। आप जब भी अपने बटुए में रखें तो आपके बटुए में ऐसी जीप होती है, इसको लुका कर रखें, हमेशा ऐसे सेपरेट लुका कर एक कॉर्नर में रखें कि कोई इसको देखे नहीं, कोई इसके विषय में टोके नहीं। और एक बात, आप जब भी ऐसा कोई चीज़ बनाए तो हमेशा मजबूत देकर बनाए। आप जैसे देखें कि मैं बहुत सख्ती से इसको फोल्ड कर गई हूँ तो ये फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत प्लेट है, ये आपका जीवन भर साथ निभाएगा, जल्दी टूटेगा नहीं। अगर आप पतला बनाएंगे तो आपका वॉलेट कभी भाज किए या कभी पॉकेट पर रखें तो ये टूटने का भी भय होगा, तो इसीलिए आप थोड़ा मजबूत देकर अच्छा से बनाएं।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।